शराब दुकान खुलते ही एक बार फिर से अपराध का ग्राफ ऊपर जाता दिख रहा है। शराब के नशे में धुत होकर एक व्यक्ति के सिर पर ऐसा खून सवार हुआ कि उसने रिश्तों को ही तार तार कर दिया। तखतपुर के कुआं गांव में काल बनकर आए दामाद ने ससुर की जान ले ली तो वही पत्नी के भाई को लहूलुहान कर दिया। कुआं गांव के रहने वाले शिवराज ने अपनी बेटी का विवाह राजपुर निवासी सुरेश के साथ लगभग 15 वर्ष पहले किया था। सुरेश शराब का आदी है, इसलिए उसका अपनी पत्नी सुजाता के साथ आए दिन विवाद होता रहता था। शराब पीने से मना करने पर वह अपनी पत्नी सुजाता की पिटाई भी कर दिया करता था, जिसके कारण सुजाता उसे छोड़कर मायके में रहने लग गई थी। सुरेश अपने ससुराल पहुंचकर भी आए दिन विवाद किया करता था। बुधवार को भी एक बार फिर शराब के नशे में सुरेश अपने ससुराल आया और पुरानी बातों को लेकर झगड़ा करने लगा। जब उसके ससुर शिवराम ने उसे झगड़ा करने से रोका तो अपने ससुर पर ही सुरेश ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे शिवराम वही कटे पेड़ की तरह धराशायी हो गया। अपने पिता को बचाने सुजाता का भाई कुलदीप भी बीच बचाव करने आया तो सुरेश ने उस पर भी चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिससे कुलदीप भी बुरी तरह जख्मी हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद कलयुगी दामाद मौके से फरार हो गया तो वही ससुर शिवराम की मौके पर ही मौत हो गई। वह कुलदीप की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए सिम्स में भर्ती किया गया है। इस लोमहर्षक घटना के बाद तखतपुर पुलिस हत्यारे सुरेश की तलाश कर रही है। शिवराम ने 15 साल पहले बड़े अरमानों से अपनी बेटी का हाथ सुरेश के हाथों में दिया था। तब उसे क्या पता था कि जिन हाथों में वह अपनी बेटी का हाथ सौंप रहा है, वही हाथ एक दिन उसके कत्ल के जिम्मेदार होंगे। दामाद आए है उखर इन खटिया में सो रही से भाई पता नहीं चल रही, सीधा आके मारते मारे है। मतलब बीवी बैठे मतलब पहुंचा दे रही मैके माँ, तो पहुंचाए के बाद फिर वो है आए पी पाके आके फिर मारे है भाई। एक बार नहीं चार बार हो गए, ये समस्या है मतलब। हाँ लड़का लगे है हॉस्पिटल लेके होला पेट में लगे है, वो बताते कि कुछ सामान निकल गए बाहर। शिवराम रजक उम्र 50 वर्ष, उसको पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था। इसके पीठ में दो चाकू के निशान हैं। पोस्टमार्टम करने पर यह पाया गया है कि उसके जो चाकू के द्वारा उस पर जो वार किया गया है, चाकू उसके अंदरूनी अंगों को जा करके भेद दिया गया है। उसके लीवर में और उसके लंग्स में चाकू के द्वारा अंदरूनी रूप से चोट पहुँची है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है।